वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में 26 दिसंबर 2021 को आयोजित दरोगा परीक्षा के पीटी का प्रथम शिफ्ट का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पूरे 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और बिल्कुल सही सॉल्यूशन है, बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर सारा चीज अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये आपका होगा स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन एक है। अपूर्वी चंदेला का संबंध जो है वो निशानेबाजी से होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः होते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, 80 और 70S और 70S। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, स्टेफलाइकोकोकाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला शैली संबंध है भारत और ग्रीक कला, ग्रीक काल का। उसके बाद निम्नलिखित में किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको अब्दुल रज्जाक गुरना को। उसके बाद क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर का हुआ अभियोग जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? तो नियंत्रक छड़ कहलाता है। उसके बाद पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, तो पेले जो है फुटबॉल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार का सम्मान से जुड़ा है? तो ये होगा युवा मामले और खेल मंत्रालय, बी ऑप्शन सही है। उस पर क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? स्वयं पोर्टल से संबंधित जो क्षेत्र है वो शिक्षा है, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है और ना हानि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डी, सहभागिता कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है? तो ये असम का है। उसके बाद ओडोमीटर जो है दूरी मापता है। उसके बाद है, मराठा साम्राज्य शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में अध्यक्षता किया था? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री ने किया था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या जाता है? तो ये अरलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने उनसे कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो ये सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया है। उसके बाद निम्न में से पानी में कौन से धातु मिनी माथा रोग का कारण बनती है? तो ये होगा पारा, ऑप्शन जो होगा पारा होगा, मरकरी इसको बोलते हैं। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? तो ये है उस्ताद मशहूर। उसके बाद निम्न से कौन सी कंपनी 1983 में हम्यूलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो ये होगा एली गिली लिली कंपनी। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, भारत व एवं संज्ञान न्यायालय की, भारत में संज्ञान न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा किया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो 1974 से किया गया था। उसके बाद जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथगिनगो था। उसके बाद वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी? तो ये दिया है वर्ग संघर्ष की अवधारणा आपका कार्ल मार्क्स ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निजी क्षेत्र में लघु मध्यम उद्योगों के विकास के हेतु औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रायोजन करता कौन था? तो ये था विश्व बैंक मिशन, यानी विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक था। क्वेश्चन नंबर 26, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, शाद होता है पर कुशल नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो ये कन्नौज था। उसके बाद एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित सब एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिला जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, कैसे होगा मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है n(n-1/2), तो इस पर आप पुट कर दीजिएगा तो आ जाएगा 10(9)/2, 2 से कट गया 5 इक्वल टू आंसर में 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को कहाँ आम वर्षा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल में कहा जाता है आम वर्षा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच स्टेट नामदफा नेशनल पार्क? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या होता है? तो ये होगा प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मत के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में शिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया, तो ये देश था रूस। क्वेश्चन नंबर 33, किरचॉफ का धारा नियम डे संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डे संरक्षण, देखिए धारा नियम जो था वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, और किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये दोनों का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, एंकर शब्द का जो उपयोग शब्दावली का उपयोग होता है वो रिले रेस में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का, 35 का सही आंसर हो जाएगा 20, इसको सॉल्व कीजिएगा तो। उसके बाद 36 है, तो ये होगा पुरुषों का चक्कर डिस्कस का वजन होता है 2 kg, 2 kg वजन होता है। उसके बाद बोला कि जा रहा है कि एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी? देखिए एक जाएगी पहले, पहले जाएगी एक 10:10 पे जाएगी, उसके पहले अच्छा ये एरिया नहीं है, एक 10:10 पे जाएगी तो उसके पहले जो है दूसरा जो 9:40 पे गया होगा तभी 30 मिनट के अंतराल पे जाता होगा, लेकिन जिस समय पूछा गया उस समय क्या होगा, 10 मिनट पहले चला गया था, तो इसमें 10 मिनट जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आंसर 9:50, यानी सी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, तो यह था आपका नॉनकिंग की संधि। उसके बाद दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो यह था छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए देश का दूसरा स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, तो तमिलनाडु में किया जा रहा है। आज तक प्रदान किए गए परमवीर पुरस्कारों की कुल संख्या 21। उसके बाद है किस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी। उसके बाद आप आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को डेस कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका सूक्ष्म समाजशास्त्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, अनुक्रम को पूरा कीजिए, तो इसका होगा N17M। उसके बाद क्वेश्चन, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इमर्सन फ्रीजिंग। उसके बाद जब आयोडीन की घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है स्टार्च। सांची का स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया, तो अशोक ने बनवाया। दूरखिम के अनुसार आधुनिक समाज में डेस होती है, तो इसका सही आंसर होगा सी, समावयवी एकता। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वाड में कौन कौन सा देश है, तो यूएसए जापान भारत ऑस्ट्रेलिया क्वाड में है, यूएसए जापान भारत ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार बर्थ डेस में स्थापित किया गया था, तो 1952 में स्थापित किया गया था। 31वें, ये 33वें है, 2024 का ओलंपिक कहाँ पे आयोजित होता है, तो ये पेरिस में होगा। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था, ये सही होगा इसका। क्वेश्चन 53, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई पर बाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया, तो ये उत्तराखंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रतिदीप्त नालिका तथा नियोन चिन्ह बल में होता है, प्लाज्मा होता है, इसको अगर गुना करेंगे आप तो इसका आंसर ये आएगा आपके पास, इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.9 बिलियन। वाटर, भारत का वाटरमैन कहा जाता है किसको, तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। निसार इज ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ इसरो एंड किसका, इसरो और नासा का प्रोजेक्ट है निसार। उसके बाद है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध निम्न से किससे है, तो प्रवासी मजदूरों से है। प्रवासी मजदूर जब कोविड हुआ था तो बहुत सारा थे, माइग्रेट कर रहे थे, और तो उसी के संबंध में एक इंडेक्स जारी किया था इम्पैक्स। भारत का प्रथम सौर चालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, तो परवनी महाराष्ट्र।
उसके बाद इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो स्टीमिंग प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है इडली को। भारत के किस राज्य में काटे बिहू असम आयोजित किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, असम में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, तो इसका सही आंसर होगा ल्यूसीन। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में बताया या परिभाषित किया जाता है वो होगा, उसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। क्वेश्चन नंबर 66, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड इसके लेखक कौन है, तो ये हैं अभिजीत गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 67, किस हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था कृष्णा शोभित्ती को। उसके बाद PURA स्टैंड फॉर, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, प्रोविजन फॉर रिजेबल एंड रूरल, प्रोविजन फॉर रूरल एरियाज। उसके बाद एलर्जन के प्रति सबसे पावरफुल और सबसे यानी प्रतिरक्षियों में से कौन से है, तो इसका सही आंसर होगा आईजीई है, ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 से ये पुस्तक जो है ये पुस्तक जो है प्रॉमिस लैंड किसके द्वारा लिखा गया है, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 71, अरुणोई यानी अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा चलाया गया है, तो यह है असम। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में किसमें रामसर प्रस्ताव संधि कन्वेंशन आते हैं, तो आर्द्रभूमि का संरक्षण। क्वेश्चन फिलिप स्प्रेट नामक कांग्रेस को सजा हुई थी, तो ये हुआ था मेरठ षड्यंत्र केस में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा कौल। उसके बाद है फजल अली आयोग का संबंध था राज्यों के पुनर्गठन से। सौर सेल बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। उसका दूध में उपस्थित शर्करा क्या है, तो लैक्टोज है। इसमें देखिए क्या बोला, निम्न में से कौन कौन सा कण जो क्षर हुआ, तो देखिए यहाँ पे जो हो रहा है तो ये यहाँ पे बीटा इमिशन हो रहा है, क्योंकि इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वही है सेम है और परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि हो गया। यहाँ पे बीटा हुआ, यहाँ पे जो इमिशन हुआ वो अल्फा हुआ, और यहाँ पे जो हुआ वो गामा हुआ, इसलिए अल्फा बीटा गामा तीनों, सॉरी बीटा अल्फा और बीटा अल्फा गामा, ये डी नंबर हो जाएगा इसका, तीनों का इमिशन अल्फा बीटा गामा तीनों का हुआ है, लेकिन सबसे पहले जो हुआ है वो बीटा का हुआ है, और उसके बाद अल्फा का हुआ है, और उसके बाद गामा का हुआ है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ये होगा। बीटा अल्फा गामा, गामा में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो यही आंसर इसका सही होगा 78 का। उसके बाद क्वेश्चन का सही आंसर है सोनार। सोनार जो है संक्षिप्तीकरण है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, में संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से संप्रति सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है, वन और स्थानीय सरकार, ये संप्रति सूची में नहीं डाला गया है, वन और स्थानीय सरकार राज्य सूची का विषय। यूटोपिया का लेखक कौन था इसमें से, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, थॉमस मोर। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है, देश की जांच अभिकरणों पर निगरानी करना, NCBI और ये जितना भी जांच है उस पर निगरानी करने का काम है सतर्कता आयोग का। अब किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32H2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है, तो क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसके बाद भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह है अमेजोन के द्वारा शुरू किया गया है। तो कौन सी संख्या पूर्ण बन गए, तो 86-49, ये संख्या जो है आपको अगर नहीं दिख रही तो मैं लिख देता हूँ फिर से, रुकिए इरेज करके इसको। ये संख्या जो है 86-49, ये पूर्ण वर्ग। नेक्स्ट है इंडिया इज साइज, भारत का जो साइज है तो विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है।
क्वेश्चन 57, इसमें क्या हुआ है, जीरो का स्क्वायर हुआ है और ये टू का स्क्वायर माइनस वन किया है, इसमें क्या किया है, सॉरी टू का क्यूब माइनस वन किया है, टू का क्यूब माइनस वन, इसमें थ्री का क्यूब माइनस वन किया है, इसमें फोर का क्यूब माइनस वन है, इसमें फाइव का क्यूब माइनस वन है, इसमें सिक्स का क्यूब माइनस वन है, तो इसमें सेवन का क्यूब माइनस वन होगा, तो यानी 342 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है फिट मोबाइल एप्लीकेशन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो ये किया है खेलकूद मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, द प्रेसिडेंट कैन, मतलब राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है वो है 123 में वर्णित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, नहीं 90 क्वेश्चन में, चेन में किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं, तो ये हैं टेबल टेनिस के, और चेन मक जो है चीन देश के हैं, चीन देश के खिलाड़ी हैं चेन मक, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 91, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाए गए विकास व्यूह रचना क्या था, तो इनमें से सभी हो जाएगा, कोई कोई इसका ऑप्शन कृषिगत विकास उन्मुख सब ये भी दे रहा है। उसके बाद देखिए बेबर के अनुसार कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत था, तो ये था आपका नौकरशाह। आयरिश सागर जो है वो ब्रिटेन के पश्चिम में है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित किया जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है देखिए ये क्वेश्चन का जो है इसमें यहाँ पे डिवीजन है ये क्या है, ये सही से नहीं क्लियर है, इसलिए इसका आंसर नहीं आ रहा है इसमें। क्वेश्चन संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है, तो ये किया जाता है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये तेलंगाना से नहीं गुजरती है। उसके बाद है किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक नया विभाग बनाया, तो ये बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। वसीका जिले में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड क्या है, तो ये होगा आपका फॉस्फोलिपिड। तो ये क्वेश्चन था आपका, पूरे 100 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।